एक सेकेंड बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 9 मैट्रिसेस फ्रॉम सलीना कंसाइज for class 10th for ICSE fast revision beta aur hum fast revision mein kya karte hain Aditya sir examples or revision exercise very good to matrices beta I think koi aisa student jisne matrices chapter pehle nahi kiya sabne kiya hua hai yes सर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया अभी तक इस चैप्टर को नो वन नो सर तो मैं सीधा एग्जांपल्स पे आ जाऊं बेटा क्योंकि बेसिक नॉलेज आई थिंक सबको है तो सबसे पहले आज हमें जयंती बताएगी जयंती माला जी यस सर फर्स्ट एग्जांपल बेटा क्या है हमारे पास थियरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी इफ दिस इज इक्वल टू दिस दो मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है पहला मैट्रिसेस भी 2 by 2 ऑर्डर का है 2 by 2 ऑर्डर का मतलब 2 row 2 columns yes. किसके इक्वल दिया है बेटा ये हमें 0, 3, 1, 5 we have to find x y a and b what I have to write down here kya likhu beta yahan pe main sir x minus 2 na ek line likhni hai beech mein to kya likhna hai comparing ha ji uske baad beta फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 0 मतलब क्या लिखूं मैं x minus 2 is equal to 0 फ्रॉम हियर x वी गेट 2 y इज इक्वल टू 3 a by 2 इज इक्वल टू 1 एंड a वी गेट 1 2 2 2 मैं साथ में जाऊंगा ना जयंती है ना नहीं सर नहीं b + 1 5 एंड b इज इक्वल टू 6 ना नहीं सर 4 आएगा यस सर चलो ये और ये चारों हमारे आंसर आ गए आई थिंक किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होगा समझ आ गया बेटा सबको नाउ यस सर सेकेंड एग्जाम्पल बेटा हरगुन यस सर ए गिवन है मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है सी मैट्रिक्स गिवन है मैं तीनों लिख दूंगा फाइंड ए प्लस बी एंड बी प्लस ए सेकेंड पार्ट ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन थर्ड में इज दिस इज इक्वल टू दिस मतलब जो फाइंड किया था इक्वल है और फोर्थ में दिस इज इक्वल टू दिस इज लिख दिया तो यस या नो आंसर देना है इन इस केस राइट द कंक्लूजन इफ एनी दैट यू कैन ड्रॉ चलो सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है 5 4 3 - 2 और जो बी मैट्रिक्स क्या खड़का कर रही है हरगुन और जो सी मैट्रिक्स है दैट इज 1 - 3 0 and 2 सबसे पहले उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है बेटा ए प्लस बी ए लिख देंगे हरगुन बोलो बेटा यस सर प्लस -3 0 0 सिंगल मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे कैसे सर ओके 5 3 is -15 हाय हाय शाबाश 5 - 3 15 होता है ना सॉरी सर टू? नहीं, वो बाद में लिखेंगे, पहले एक बार ना 5 ± -3 4 + 0 ऐसे लिखो, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है? 3 + 1 -2 + 4 हाँ 5 − 3 2 4 + 0 सर 4 3 + 1 4 -2 + 4 6 होगा ना? नहीं सर 2 होगा, 2 होगा। चलो दिस इज द आंसर। अब उन्होंने B + AB बोला है फाइंड करने के लिए, तो ये पहले लिखा जाएगा B और A बाद में। Okay. चलो अब मुझे बताएगी अंशिका। Yes sir. क्या लिखूं सर? -3 + 5 0 + 4 हाँ 1 + 3 हाँ and 4 - 2 yes 2 0 + 4 4 and 2 ये दोनों आपस में इक्वल है ना? yes, तो पहले मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ। इज उन्होंने पूछा था इज, तो हम क्या लिखेंगे? यस A + B = B + A। मतलब इसका कंक्लूजन क्या है, कुछ याद है अंशिका? व्हाट इज दिस? यस सर, इसका कंक्लूजन क्या निकला? इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। छोटी क्लासेस में किया था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद है? यस सर, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। A + B = B + A थर्ड पार्ट मैंने पहले कर दिया। ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अपने आप करोगे ना? ना करूं मैं? बोलो बेटा। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव। 5 + 3 या 3 + 5 बेटा, कोई फर्क पड़ता है? नो सर। दैट इज A + B = B + A ना? दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 5 + 3 + 1 या 5 + 3 को पहले ऐड कर दो, 1 को बाद में ऐड करो। ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है ना? यस सर। मींस A + B + C और A + B + C। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सर इनका आंसर सेम आएगा? हाँ जी बेटा, एडिशन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे? क्या जैसे ये आया, देख A + B फाइंड किया था, क्या आया हमारे पास? B + K क्या है सर? सेम है हाँ, फिर तभी तो इक्वल है, तभी तो यस लिखा है हमने सर। लाइक 5 + 4 9 कहाँ पे? 5 + 4 9 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 8 + 1 कर रहा था, 9 ही आ रहा है। 8 + 1 सर एसोसिएटिव क्यों है? क्यों नहीं है सर? ब्रैकेट है कहाँ करके बेटा? एडिशन है, ये 3 नंबर की एडिशन है, कोई भी ऑर्डर आगे पीछे कर दे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे ये बता सर। नो, तेरे पास एक 10 का नोट है, एक 5 का नोट है और एक 1 का कॉइन है। अब मैं बोल दूं नहीं, तेरे पास एक 1 का कॉइन है, एक 5 का कॉइन है और एक 10 रुपी है, तो दोनों अमाउंट इक्वल है ना? यस सर। तो आगे पीछे की है ये, एडिशन में क्या होता है क्या आगे पीछे कर दिया, तो टाइम वेस्ट कर रहा है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट क्या है कि ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है। अब A + B + B + C को पहले सॉल्व करेंगे, उसको A में ऐड करेंगे। यहाँ पहले A + B ऐड करेंगे, उसको C में ऐड करेंगे। ओके सर, जान के मजे ले रहा है तू। ये आ ही नहीं रहा था, ये ट्रू फॉल्स ना मैंने छोड़े हुए हैं, इसके थे कुछ 4-5 ट्रू फॉल्स, वो समझ नहीं आए। अच्छा ठीक है। नाउ हमारे पास ओह आज इंटेलिजेंट बच्चे भी आए हुए हैं। सिमर, यस सर। तो कहाँ गायब थी? सर बीमार हो गई थी। इन्फेक्शन मेरे तक पहुंचा दी तूने बीमार होके? नहीं सर। नहीं पढ़ने का मन नहीं करता ना? चुप कर जा, तेरे को बुलाया है? सर मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, वो गलती से खुल गया था। हाँ सर मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। हाँ जी सिमर। यस सर। मार्क्स ज्यादा आने लगे ना? नहीं सर। और तभी तो क्लास लगाती नहीं है। सर आपको बताया कि पापा को फोन करूं? नहीं सर, से पूछ लो पापा से, बीमार थी इसीलिए नहीं लगाई। बीमार थी, घर में बैठ के बेड पे पड़ी पड़ी लगा लेती क्लास। सर आंखें तो खुलती नहीं है सर बीमारी में। अच्छा, मेरी तो खुली है, मैं भी बीमार हूँ। नहीं सर मेरी तो नहीं खुल रही थी। तेरी नहीं खुल रही थी? नहीं सर। चलो अब यहाँ देखो, ए बी और सी गिवन है बेटा। सबसे पहला पार्ट ए प्लस सी फाइंड करना है। क्या लिखूं बेटा यहाँ पे सिमर? सर 5 4 3 and -1। पहले ए क्या मैसेज लिख दिया, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, -3 2 1 and 0। यस सी। अब कहीं बी सोच रहे थे यहाँ पे बी लिखना है, नहीं यहाँ सी है। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? 5 - 3 4 + 2 3 + 1 एंड -1 + 0 0। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 2 6 4 and -1। दिस इज द आंसर। ये पहला पार्ट है। प्रभु सेकेंड पार्ट B - A। यस सर। बी मैसेज मैं पहले लिख देता हूँ 2 1 0 4, बीच में क्या साइन है? माइनस का। 5 4 3 -1। तो B - A क्या लिखो यहाँ पे? 2 - 5 1 - 4 0 - 3 है सर। 0 - 3 आगे 4 सर, 4 + 1। हाँ, -into - प्लस, ये ध्यान रखना है। 2 - 5 सर, -3 - 3 1 - 4 सर, -3 0 - 3 is -3 and this one is 5. ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमें समृद्धि करवाएगी। समृद्धि जी, समृद्धि का मैं शायद माइक ही नहीं ऑन हो रहा। नहीं A + B - C। A का मैट्रिक्स लिख दिया बेटा, B का लिख दिया, -C। C का मैट्रिक्स है -3 2 1 0। यहाँ पे सिंगल में क्या लिखूं मैं समृद्धि? 5 + 2 - +3 माइनस के प्लस, +3 -, प्लस। अच्छा सेकेंड 4 + 1 - 2। यहाँ देखो बेटा 5 + 2 - -, +3 हो गया। फिर सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का 4 + 1 - 2। नीचे 3 + 0 - 1। यहाँ पे -1 + 4 - 0। यहाँ से क्या आ गया? 5 + 2 7 + 3 10 3 4 + 1 5 5 में से 2 माइनस किया 3 3 - 1 2 -1 + 4 3 minus 3 minus 3 नहीं सर नहीं, गलती से निकल जाएंगे, गलती से नंबर कट जाएंगे। नहीं नहीं सर नहीं, तेरा गला दबाने इतनी दूर आया भी नहीं जाएगा। क्या सर? तेरी गर्दन दबाने के लिए इतनी दूर आया भी नहीं जाएगा। सर मैं आ जाऊंगी सर आपसे मिलने। आजा फिर, बैठ जा ट्रेन में या टेस्ट के बाद सर, बोर्ड्स होने के बाद। ओके सारे इकट्ठे होके आ जाना एक दिन बना के प्रोग्राम। यस सर, यस सर। ये है बेटा ए और बी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए टी यहाँ पे हमें वरिंदा करवाएगी। वरिंदा जी यस, फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए टी। ए टी क्या आएगा? ट्रांसपोज पता है क्या होता है वरिंदा? यस सर। क्या होता है पहले समझाओ मुझे। हाँ। सर रो को कॉलम के तरह लिख देना, कॉलम को रो की तरह, मतलब रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में, मतलब देखो 2 1 3 कॉलम बना दिया। 4 - 3 2 4 - 3 2। तो ए ट्रांसपोज आ गया, जिसको नहीं पता था समझ आ गया बेटा ये। अब बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या आएगा वृंदा? सर 3 और उसके नीचे -2। वेरी गुड। 7 और उसके नीचे 4। बहुत अच्छा। अब पहला पार्ट a प्लस ए टी फाइंड करना है। a प्लस ए टी, a ये है और ए टी क्या है, ये है। क्या आएगा वृंदा बोलो? सर ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? वाई, मुझे रीजन बताओ वृंदा। बिकॉज इन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या एडिशन, नंबर ऑफ रो and column should remain the same. Yes sir. Remains the same, or we can say order of two matrices should remain the same. इसका order है 2 into 3, इसका 3 into 2, 3 row है, तो order same नहीं है ना। Not possible because in addition number of row and column remains the same, or we can say order of two matrices should remains the same. समझ आया बेटा? Yes sir. ऐसे ही b and b plus bt is also not possible. इन दोनों का सम भी possible होगा कि नहीं होगा? Yes sir, sir possible है। हाँ, क्योंकि ये भी 2 by 2 का order है और ये भी 2 by 2 का। तो इसका second part है जो बेटा वो हम कर ही लेते हैं, b plus bt। Excuse me sir। हाँ जी बेटा जी। सर ऑर्डर लिखना ए और ए टी का। इसमें कितनी रो है गुरुदेव? सर 3। 1 2 ये रो होती है। ओके सर। तो 2 रो, कॉलम 1 2 3। इसमें रो 1 2 3 और कॉलम 2। पहले रो आता है पीछे कॉलम आता है, समझे सर? मैच तो कर रहे हैं वो 3 3 कहा 3 3 इसका ऑर्डर 2 2 3। वो मल्टीप्लाई में होता है, करेंगे वो मल्टीप्लाई में होता है। मोटे दिमाग खराब कर रहा है मेरा। वैसे ही प्यार से बोल देता होता हूँ मैं समझे? वो मल्टीप्लाई में होता है बेटा, एडिशन में नहीं। एडिशन में सेम ऑर्डर होना चाहिए और वो ऑर्डर नहीं है। वो क्या है? कॉलम सेकेंड रो मैट्रिक्स के रो के साथ। अब ये पूरा ऑर्डर तो 2 into 3 है, ये 3 into 2 है, समझे? यस सर। मिक्स कर रहा है मल्टीप्लाई और एडिशन को। सर बहुत टाइम हो गया किया नहीं फिर। चलो क्या आएगा वृंदा? 3 + 3 -2 + 7 7 - 2 हाँ 4 + 4 यस 6 5 5 8 दिस इज द आंसर। समझ आ गया बेटा ये? Yes, fourth example. Now we will reach on example number 5. Fifth example में एक सेकेंड, कलंदर। यस सर। Then solve 2 into 2 matrix such that x find करना है। Yes sir. Such that पहला पार्ट हमें दिया है a + x = b दिया हुआ है। What we can do? सर पहले ना x को एक तरफ रखो और a को उस साइड भेज दो। चलो वो हो जाएगा b - a। ओके अब b -3 5 1 0 -8 6 -2 4 यस। तो इसके आगे लिख दूं? यस सर। ये पूरा पूरा क्या सर? -3 - 8 हाँ 5 - 6 हाँ सर 1 - का -2 +2 ना लिख दूं सीधा? अच्छा अच्छा सर 0 - सीधा लिखो बेटा। ओके ओके 0 - 4 व्हाट वी गेट सर? -11 -1 3 - 4 दिस इज द आंसर। ऐसी बेटा सेकंड है। रौनक। यस सर। सेकंड x - b = a। x इसके इक्वल आ जाएगा रौनक? a + b। a + b। a मैट्रिक्स है हमारे पास 8 6 - 2 4 प्लस b मैट्रिक्स है -3 5 1 0। क्या आ गया x बेटा? क्या लिखूं? 8 - 3 6 6 + 5 -2 + 1 4 + 0 यस। तो x मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास? 5 11 -1 4 दिस इज द आंसर। ये हमारी फिफ्थ एग्जांपल हो गई। अब आ गया बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है जो मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो गुरुदेव बात कर रहा था वो चीज होगी। तो हमें अदिति मल्टीप्लिकेशन के अंदर मान लो एक मैट्रिक्स है बेटा 2 into 3, दूसरा मैट्रिक्स है जैसे 3 into 4। इसके कॉलम इसके रो के इक्वल होने चाहिए, मतलब इसका जो नंबर ऑफ कॉलम का ऑर्डर है उसके रो के इक्वल होगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और रिजल्टिंग जो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? 2 into 4। वेरी गुड। मतलब इसको जो कॉमन होता है, इसका कॉलम इसका रो, उसको छोड़ देते हैं, जो बाकी बच गया वो 2 और 4 ये आंसर होगा इसका। अगर इसमें जो आंसर है उसमें 2 रो and 4 कॉलम्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड सर? एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा अदिति, हमें क्या दिया हुआ है देखो, ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए प्लस 2b माइनस 3c फाइंड करना है। ये तो बहुत इजी है, 1 2 माइनस 2 3, बी मैट्रिक्स क्या है माइनस 2 माइनस 1 1 2, और सी मैट्रिक्स क्या है 0 3 2 माइनस 1। ये है बेटा, और फाइंड क्या करना है हमने, a प्लस 2b माइनस 3c। क्या लिखूं मैं सर, सबसे पहले 1 2 माइनस 2 3 प्लस 2 ऐसी 2. मतलब एक बार तो सिंपली ये वैल्यूज फिल करो इसमें, ठीक है। यस सर, -3 थोड़ा सा -3 ज्यादा ही वो हो गया, 0 3 2 माइनस 1 1। एक बार इसको ऐसे ही रख लो क्योंकि शॉर्टकट मारेंगे ना। हाँ, अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस 2 2 4। यस, 0 माइनस को माइनस रखो बेटा। यस सर, 0 माइनस 9 माइनस 6। वही प्रॉब्लम आ गई ना, मुझे पता था ये गड़बड़ करेगी अदिति, माइनस बाहर ही पड़ा है बेटा। अच्छा, हम सिर्फ किससे कर रहे हैं अदिति, ओनली 3 से। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 0। वेरी गुड, 2 माइनस 2 माइनस 9। नीचे -2 प्लस 2 माइनस 6। ठंड लग रही है? नहीं सर। आगे 3 प्लस 4 प्लस 3। ओके, यहाँ से बेटा 1 माइनस 4 क्या आ गया, -3। काट दी, -9। यस सर, यहाँ भी काट दी, -6। या तो ना काटे, नहीं तो दिस इज द आंसर। ये हमारा 6th एग्जांपल हो गया, ठीक है। यस सर, नाउ 7th एग्जांपल। गिवन एक मिनट रुक जाओ। रसिया जी, यस सर, ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए प्लस 2x इज बी। हमें ए क्या दिया हुआ है, 5 एंड -3। बी क्या दिया है, -1 एंड 7। एक्स फाइंड करना है सच दैट ए प्लस 2x इज इक्वल टू बी। ये दिया है, ए की वैल्यू फिल कर देंगे। यस सर, कर देंगे। 2 इसकी वैल्यू कर दे। ओ सॉरी, क्या यार गड़बड़ करवा रहा है, मैंने कहा कुछ था। इज इक्वल टू बी -1 7। क्या करूं सर, 2x इज इक्वल टू -1/7 माइनस अपॉन ही है, ठीक है, -5 माइनस 3। तेरे नाम ही गड़बड़ है, नाम चेंज कर ले अपना, सारा कुछ ही गड़बड़ करवाना शुरू कर। अच्छे से प्रोनाउंस करिए तो हो जाएगा, वही तो प्रॉब्लम है। क्या लिखूं, ठीक नंबर कटवाने है? अच्छा हाँ सर, हाँ, मैं साथ जाऊंगा, आ जाइएगा तो चला जाएगा। बच्चे ये सबसे ज्यादा इजी सम्स है ना, इजी प्लस माइनस है ना, छोटे बच्चों की तरह करना है ना। और इसमें भी गड़बड़ करोगे, शॉर्टकट मारोगे तो मार्क्स कटवाओगे, तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे, फिर जिंदल सर को बदनाम करोगे, है ना। तो रसिया जी बोलिए। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है? 7 + 3 -6 10 और x की वैल्यू जो 2 मल्टीप्लाई है कहाँ चला जाएगा? 1/2। एक बार ऐसे ऐसे लिखेंगे बेटा। अब क्या आएगा? -3 अच्छा ऐसे 10 2। तो ऐसे ही सर स्टेप बढ़ा रहे हैं है ना। -3 हो जाएगा और नीचे 5। हाँ स्टेप बाय स्टेप करना है, कभी मार्क्स नहीं कटते, कभी मिस्टेक नहीं होती। यहाँ तूने 6 बना दिया था, देख बना दिया था ना। हाँ सर बनाया था। बस फिर मार्क्स कटने थे। और इससे ज्यादा इजी सम आई थिंक हो नहीं सकता कोई। क्या हो सकता है? नहीं सर। हाँ ये एग्जाम्पल 7 थी बेटा। इसके बाद आ गए हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे। परिधि ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड ए बी एंड बी ए। सबसे पहले मैं ए लिख देता हूं कि ए मैट्रिक्स क्या दिया हमें -2 3 4 and 1। बी मैट्रिक्स भी लिख देता हूं 1 2 3 and 5। वी हैव टू फाइंड ए बी। ए बी मतलब ए इंटू बी। तो ए पहले लिखना है। अब इसमें बी को पहले मत लिख देना। 1 2 3 5। हाँ जी मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे? क्या लिखो प्रीति? -2 × 1 + 3 × 3। वेरी गुड। पूरे रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। -2 × 1 + 3 × 3। सेकंड में 3 × -2 × 2 + 3 × 5। साथ जाऊंगा ना परिधि। नो सर। 2 × 1 + 1 × 3। आगे 4 × 2 + 1 × 5। जैसे स्टार्टिंग में था ना वैसे नहीं है अब तेरा सिस्टम कि मैथ ज्यादा आने लग गया परिधि। नो सर। नहीं सर। क्लासेस भी मिस करती है ना बीच में। सर एक दूसरी क्लास थी तो उसके वजह से लेट हो गया था। मल्टीप्लाई -4 + 15 8 + 5। हाँ क्या आ गया हमारे पास? 7 11 7 13। यस ये मल्टीप्लाई आती है ना बेटा सबको, ऑल ऑफ यू। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आती हो? आती है बेटा? हरगुन। हरगुन यस सर। आती है बेटा? यस सर। क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने तेरे से पूछना है। यस सर। नेक्स्ट टाइम तेरे से पूछना और ना ही ना तो तेरे पास मोहाली आ जाऊंगा मैं। ठीक है फिर पापा मम्मा की एक बेटी रह जाएगी ये सोच ले हैं। ओके सर। बी है हमारे पास 1 2 3 5 और ए है -2 3 4 1। मतलब बी को पहले लिखेंगे ए को बाद में। करो मल्टीप्लाई। क्या लिखूं मैं? बोलो हरगुन। सर पहले 1 को 2 के साथ करेंगे। 2 है कि -2 है? -1 × -2। आगे उसके बाद 2 × 1 को 3 के साथ। बता ही था मुझे करेगी गड़बड़। तू प्लस करेगी गड़बड़। नहीं आती बेटा तेरे को, तू वैसे ही हाँ बोल देती है किसी आती है। पूरे रो को बेटा पूरे कॉलम से करना होता है। अंडरस्टूड? 1 को -2 से किया, 1 × वन को माइनस टू से किया, बीच में प्लस साइन, टू को फोर से, ये पहला एलिमेंट का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आया। अब सेकेंड वन को 1, 2, 3 के साथ प्लस फिर 2 into 1 plus 2 into 1। हाँ, याद रखना है। अब नीचे ओके, अब बोलो बेटा 3 के साथ 3 into -2 -2, then 5 into 3 plus 5 into 3, 5 into 4, 5 into 4, second row को, sir, sorry, first 5 into 4, okay, फिर 3 into 3 plus 5 into 1। ये मैंने छुपा दिया, अब तू मुझे फिर से वही सेम चीज करके दिखाएगी, और अगर अब गलती की ना तो मैं मम्मा को अभी तेरे कॉल करूंगा, बस कि चप्पल उठा लो और मारते रहो इसके, ठीक है? बोलो क्या लिखूं? ओके सर, 1 into -2 प्लस 1 into 4, 2 into 4, सॉरी सर, 2 into 4, आगे उसके बाद 1 into 3 प्लस 2 into 1, अब 3 into -2 प्लस 5 into 4, उसके बाद 3 into 3 प्लस 5 into 1। सर बच गई, वरना भी फ्लाइंग चप्पल पड़ती। यहाँ पे बेटा -2 + 8, -6 + 20, 3 + 2, 9 + 5, 5। -2 + 8 10 हो जाएगा ना? नहीं सर, कितना होगा? नहीं सर, माइनस बोलो फिर कितना है? यहाँ पे 3 + 2 5 होगा ना? हाय हाय, यहाँ पे हरगुन तेरी आवाज चली गई। 5 -6 + 20 14, 9 × 5 = 14। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो ए भी आया था 7, 11, 7, 13, ये आया। मतलब क्या कंक्लूजन है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका क्या कंक्लूजन? बी ए इन मल्टीप्लिकेशन कमिटेड, राइट? द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है यहाँ से? इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस commutative property is not followed. No. Yeah, multiplication of matrices is not commutative. No, not commutative, beta. Okay sir. Okay. Excuse me sir. हाँ जी बोलिए सर, cumulative कब होगी फिर ये? यार अड़ी देखो, commutative ना, cumulative या commutative एक ही बात है। जो addition, subtraction, multiplication and divide. Addition में a + b, b + a. Subtraction में a - b, b - a. Multiplication में a into b, b into a. Order change होता है बस। Division में a divided by b, b divided by a. Matrices में ये possible है, मतलब addition में commutative property possible है। अंडरस्टूड? यस। सब्ट्रैक्शन में नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल। मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही नहीं, इक्वल नहीं आएगा बेटा। मल्टीप्लिकेशन में भी इक्वल हमने शो कर ही दिया। वैसे मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बट मैट्रिसेस में नहीं होती, डिवीजन में नहीं होती। आई समझ? ओके सर, सिर्फ एडिशन में होती है। एडिशन में किसके लिए? मैट्रिसेस के लिए। और सिंपली वैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होती है सर। वैसे मतलब कोई नंबर या कोई किसी चीज के लिए 2 into 3 3 into 2 के इक्वल होता है ना? यस सर, वो नंबर्स के लिए मतलब, पर मैट्रिसेस के लिए ये रूल फॉलो नहीं करता। अंडरस्टूड? यस सर। 9th सम, विस्मया। यस सर। तूने पढ़ना छोड़ रखा है ना? नहीं सर। क्यों नहीं छोड़ा है विस्मया? यस सर। तू है कहाँ से? मैं भूल ही जाता हूँ सर। बैंगलोर से है। ओके, ये बेटा ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स ए बी। क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। फाइंड द मैट्रिक्स ए बी, राइट द conclusion if any that you can draw from the result of obtained. हाँ जी, ए बी बेटा सर। -3 into 4 यस। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का -3 into 6 + 3 into 6। नीचे 2 into 4 आगे विस्मया क्या हो गया? 6 2 into 6 + -2 into 6। तेरी आवाज गायब हो गई थी बीच में से सर, कॉल आ गई थी। चलो यहाँ पे -12 + 12 नीचे 8 - 8 यहाँ पे -18 + 18। देखो बोर्ड मास रूल, मल्टीप्लाई पहले होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। 12 - 12 क्या आ गया? 0 0 0 0 0। मतलब हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, दिस इज द जीरो मैट्रिक्स, और वी कैन से नल मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं जब सारे एलिमेंट जीरो हो, या उसको नल भी बोल देते हैं। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? ये दोनों क्या थे? नॉन जीरो थे, बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। मीन्स क्या कंक्लूजन है? द प्रोडक्ट ऑफ non-zero matrices may be zero. ठीक है बेटा। लास्ट में क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो ये ऐसे लाइन मेंशन करनी है। आया समझ? यस। अभी कितनी एग्जांपल्स हैं इसकी? काफी पड़ी है ना, 17 एग्जांपल्स हैं, 4, 5, 6 सम होंगे, है ना। चलो 9 o'clock देखते हैं बेटा। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।